सबसे पहले तो आपको हमारे इष्ट देवता के तरफ से आपको आशीर्वाद और हमारे पुजारियों की तरफ से गाँव वासी क्षेत्रवासियों की तरफ से आप लोगों को सबको नमस्कार। आपको इस मंदिर की खोज गायनी की है। ये मंदिर घोर जंगल के बीच में था। यमुना नदी पार से एक महाराजा की गाय आती थी। मंदिर के अंदर जाके शिवलिंग के दूध की धार चढ़ा के अभिषेक पूजा करते हैं। आज हम लोग मंदिर में जाते हैं, पूजा करते हैं, नमन करते हैं, ये सब गाय माता की देन है। गाय माता के शरीर के अंदर रूम रूम में 33 कोटि देवी देवताओं का वास है। तो अंदर वाला जो शिवलिंग है वो सतयुग का है। जिस समय लक्ष्मी सरस्वती सती माँ का अवतार हुआ, आपने पार्वती माँ के चरण देखे हैं। 5 साल की कन्या रूप में पार्वती माँ शिव पाने को 12,000 साल तक उस पत्थर शिला पे तपस्या की, तब जाके भोले बाबा प्रसन्न हुए। ये लाल रंग का शिवलिंग है, ये रेते वालों का शिवलिंग है। ये शिवलिंग या तो लाखा मंडल के प्रांगण में मिलेगा या तो सोयत बंद रामेश्वर में, जब रामचंद्र जी ने श्रीलंका जाने के लिए पुल बांधा था। ये पूरे भारत देश में ये शिवलिंग और जगह नहीं मिलेगा। जब रामचंद्र जी की जगत माता सीता को दुष्ट रावण ने पंचवटी से हरा के लेके श्रीलंका पहुंचाई है अशोक वाटिका में, रामचंद्र जी माता जी के खोज में गए और ये शिवलिंग की स्थापना समुद्र के बीच में की। यहाँ पे 15 अप्रैल को एक विशाल मेला लगता है। वो मेला पूरे हिंदुस्तान भारत का देश का पहला मेला 15 अप्रैल को पूरे देश का पहला मेला इस स्थान पे लगेगा। उसके बाद पूरे देश में मेले होंगे, 4 धाम के कपाट उसके बाद खुलेंगे। यहाँ पे 33 कोटि देवी देवता है, 1.25 लाख शिवलिंग की यहाँ पे स्थापना पांडवों ने अपने हाथों से की है और 4 युग के यहाँ पे शिवलिंग है। मन की इच्छा पूरी होती है, जन्म जन्म के पाप सारे खंडित होते हैं, आप लोगों की यात्रा इस भोले बाबा के दरबार से सफल होती है। जिस बेटी का और बेटे की शादी हो जाती है फिर किसी के बच्चे नहीं होते हैं। यहाँ पे महाशिवरात्रि में यहाँ पे लोग बाग वर मांगने आते हैं और 1 साल के भीतर उनका बच्चा होता है। ये प्रत्येक प्रमाणित आज भी है। यहाँ पे जिस बेटी का और बेटे की रिश्ते आते हैं बिगड़ जाते हैं, रिश्ते आते हैं बिगड़ जाते हैं, माँ बाप दोनों तरफ से परेशान हो जाते हैं, बेटे के बाप भी, माँ बाप और बेटी के माँ बाप भी। बेटा और बेटी की उम्र लंबी हो जाती है, 30, 35, 40 साल तक पहुँच जाती है। यहाँ पे लोग बाग दर्शन करने आते हैं और 6 महीने के अंदर उनका रिश्ता होता है। ये प्रत्येक बात है जी भी यहाँ पे इस भोले की इतनी बड़ी महान कृपा है। अब आप लोग आगे चलेंगे, मैं आगे दिखाऊंगा आपको। इस मंदिर पे अब यहाँ पे दीदी ध्यान लगाना बेटा, मैं दोनों बेटों को पूछूंगा कितना कंप्यूटर सिस्टम है तुम्हारा दिमाग। इस मंदिर पे ऊपर से लेकर के नीचे तक मंदिर के चारों तरफ गाय माता के खोर के निशान है, जिस गाय ने इस मंदिर की खोज करी है। ये ऊपर से लेकर के नीचे तक चारों तरफ ये कौन सी गाय है जिसके ये खोर के निशान है, बोलो बेटा। हाँ बोलो, जवान बेटा पता ही नहीं मुझे तो, पढ़ाई लिखाई कर रखे हैं आप लोग, कौन है बोलो गुरुजी, आप बोलो कौन सी गाय थी जिसने जिसके ये खोर की नशा कौन सा काम देने हो सकता है। अरे महाराज, अरे महाराज, मित्र मित्र भाई साहब, कौन सा काम देने जो समुद्र मंथन से निकाल अच्छा समुद्र मंथन उसकी खोर के निशान अब याद रखना। अब आप लोग आगे चलो, काम देने अब फिर यहाँ पे दिमाग में आई ध्यान लगाना ज्यादा इंटरेस्ट होगा। फिर यहाँ पे ध्यान लगाना, दुर्योधन ने
दुर्योधन ने पांडवों को जलाने के लिए राका महल बनाया, लक्ष्यगृह है वो, ये जगह है लक्ष्यगृह, ये चारों तरफ लाल ईट, हाँ हाँ हाँ, ये सीट के नीचे आज भी लाख है। यहाँ पे महल था, महल पे दुर्योधन ने आग लगा दी, महल जल गया। आप लोग बेटा आगे चलो, आगे आओ, यहाँ पे लाइन से खड़े होना चाहिए। अच्छा, देवियों को आने दो भाई साहब, आप लोग खड़े होना, देवी आ जाओ। यहाँ पे महल था, महल पे दुर्योधन ने आग लगा दी, महल जल गया। यहाँ से अंदर ग्राउंड तो सुरंग है। अच्छा, ये सुरंग किसने बनाई पांडवों को बचाने के लिए, बोलो बेटा किसने बनाई? चूहे ने बनाई थी सारी। किसने? चूहा, चूहे ने खोदा था। चूहे ने, चूहा के गुरु कौन थे? विदुर। विदुर, विदुर, विदुर ने यहाँ से नक्शा बनाया और चूहों ने यहाँ से सुरंग बनाई, सुरंग बनाई, सुरंग बनाई चूहों ने। और नीचे सड़क पे आते समय आपको ये गुफा मिली है, वो है पांडवों की, जो बता रहे थे, जिसको धुंधी ओडारी कहते हैं हमारे गढ़वाल में, धुंधी ओडारी, धुंध ओडारी, तो वो पांडवों की धुंधी ओडारी है। पांडवों को यहाँ से विदुर ने उस गुफा से बाहर निकाला, उसके अंदर जाएंगे आप लोग तो आप लोग शोरूम में चले जाओ। गए थे आप अंदर? अंदर छोटी सी है, हाँ, उसके अंदर छोटा सा इतना शिवलिंग है, वो पर शेष नाग का आकार है। उसके ठीक सामने से जो सुरंग है वो आपके विराट राजा के यहाँ निकलती है, जहाँ पे पांडवों ने नौकरी करी है। उसके बगल में दूसरी सुरंग है, वो आपके कुरुक्षेत्र में निकलती, हरियाणा में पंजाब, जहाँ पे महाभारत की लड़ाई पूरी खुली होगी। उसके अंदर तीसरी सुरंग है, वो आपके केदारनाथ बद्रीनाथ निकलती है, जहाँ से पांडव लोग स्वर्ग लेंगे। देखो जी, मेरे लिए मेरे गांव के लोग, बाहर के लोग कहते हैं कि तू झूठ बोल रहा है। मैंने कहा मैं झूठ बोलता हूँ, तुम सच्ची बात है। जब हम लोकल आदमी बना सकते हैं सुरंग बड़कोट से लेकर के रात के उधर निकल रहे, आज 14-15 किलोमीटर की सुरंग है, 7 किलोमीटर की, 10 किलोमीटर टिहरी डैम की सुरंग कितनी लंबी है, क्या हम लोग क्या भगवान नहीं बना सकते? क्यों नहीं बना? छोटी सी बात, उनके पास तो बहुत बड़ी शक्ति थे उनके अंदर, है जी। अब बहन जी, मैं आपको इनके बारे में बताऊंगा। राजा दक्ष ने यज्ञ किया, और बेटी आप लोग मेरे को सवाल का उत्तर देंगे, बहन जी आप लोग। राजा दक्ष ने यज्ञ किया और उन्होंने तमाम दुनिया के लोगों को सबको अपने यज्ञ में बुलाया, और अपने बेटी और जवाई को नहीं बुलाया। तो उनकी बेटी जवाई कौन है? पार्वती, तो द्वापर में थी। सती, 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 सती माँ ने बोला किसको? शंकर जी के लिए, अपने पति देव के लिए, कि पति देव मेरे मायके में आपके ससुराल में यज्ञ हो रहा है, आप चलिए। बड़े प्यार से कहा सती माँ ने। भगवान ने उसको हाथ जोड़ के कहा, देवी हमारे लिए कोई चिट्ठी नहीं, कोई निमंत्रण नहीं, कोई बुलाव नहीं, हम लोग वहाँ जाएंगे, वहाँ पे हमारा अपमान होगा। सती माँ ने अपने पति की बात नहीं मानी, उनकी आपस में लड़ाई झगड़ा हो गया। आपका भी होता है लड़ाई झगड़ा, तो ये परंपरा से चल के आया है, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है।